हेलो फ्रेंड्स, ओम सायराम। फ्रेंड्स, हमने पहले भी एक नाग की प्रतिमा का वीडियो बनाया था, लेकिन फ्रेंड्स अभी नाग पंचमी है, इसलिए मैं फिर से आज एक बार नाग की प्रतिमा बनाने का प्रयास करता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो नाग पंचमी के बारे में पता होगा ही, मतलब नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, उसका इतिहास क्या है। फ्रेंड्स, नाग पंचमी अपने भारतवर्ष की एक प्रचलित परंपरा है, जहां सांपों को पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये हुई नाग पंचमी की प्रचलित प्रथा, मतलब उनका संबंध सांपों से जोड़ा जाता है। लेकिन नाग पंचमी मनाई क्यों जाती है, इसके पीछे अलग ही इतिहास है, शायद आप लोगों को भी यह मालूम होगा। फ्रेंड्स, असल में नाग पंचमी और जो नाग है, मतलब जो एनिमल है, उसका ज़्यादातर कोई रिलेशन नहीं है। फ्रेंड्स, भारतवर्ष में नागवंश के 5 राजा थे, उनके नाम है, जैसे एक अनंत नाग, उनको शेष नाग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे जो नाग राजा है वो नाग राजा वासुकी, तीसरे नाग राजा तक्षक, चौथे नाग राजा कर्कटोक और पांचवे नाग राजा है जो नाग राजा ऐरावत। ये पांच राजाओं के नाग पंचमी से संबंध है। ये पांच जो राजा है उनके स्वतंत्र गणतंत्रीय मतलब रिपब्लिकन स्वरूप के राज्य थे। इनमें से जो नाग राजा अनंत है वो सबसे बड़े थे। उनका जम्मू कश्मीर में अनंत नाग सिटी है, वो उनके स्मृति की साक्षी देती है। दूसरे नाग राजा है जो वासुकी, ये जो कैलाश मानसरोवर से लेके उत्तर प्रदेश तक इनका क्षेत्र था। तीसरे जो राजा है तक्षक, इन्होंने वर्ल्ड फेमस जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है इनकी स्थापना की थी। यहाँ पर ही प्लेटो, एरिस्टॉटल इनके जैसे तत्वज्ञ पढ़कर गए हैं। अपने चौथे जो नागवंशी राजा है वो कर्कटक, उनके रावी नदी के बाजू के प्रदेश में उनका राज्य था। और पांचवा जो राजा है वो जो नाग राजा ऐरावत यानी कि पिंगला, इनका भंडारा प्रांत है, आज भी ये प्रांत पिंगलाई एरिया के नाम से जाना जाता है। ये जो पांच राज्य थे इनके सभी के राज्य की सीमाएं अड़ोस पड़ोस में मतलब बाजू बाजू में ही थी। ये जो पांच राजाओं की मृत्यु हो गए, उनकी मृत्यु के बाद उनके स्मृति प्रीत्यर्थ जो नागवंशी लोग थे उन्होंने नागराज की स्मृति अभिवादन यानी कि नाग पंचमी के नाम से मनाते थे, उनकी याद में नाग पंचमी मनाते थे वो लोग। बाद में कुछ लोगों की लेखनी की वजह से इन सभी नागराजाओं के रूपा नागराजों की जो नाग पंचमी थी उनका रूपांतर सरीसर्प यानी कि नाग जो एनिमल है उसमें हो गए। और धीरे धीरे यह नाग पंचमी का त्यौहार नागराजाओं की पंचमी के स्वरूप में लुप्त होकर केवल सांपों की पंचमी है ऐसा हो गया, और पेपर की फोटो की पूजा और नाग के बिल में दूध डालने तक ही अपने नाग पंचमी का महत्व बचा। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी ग्रामीण भारत में नाग पंचमी के दिन दीवार के ऊपर ये जो पांच नागवंशीय राजा है उनके प्रतीक में पांच नागों का चित्र बनाकर ये नाग पंचमी मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये इतिहास बताने में मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है,
और इसमें कुछ अलग इतिहास है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और वैसे भी फ्रेंड्स ये ऐसा हिस्ट्री वगैरह बताना अपना सब्जेक्ट नहीं है, अपना सब्जेक्ट तो है कोई भी मूर्ति का मॉडलिंग करना, इसलिए वो हिस्ट्री को बाजू में रखो, आपने मॉडलिंग के ऊपर ध्यान दो। आज थोड़ा टाइम मिला था और मुझे भी थोड़ा सा मालूम था, इसलिए उसके बारे में मैं थोड़ा बता दिया, ठीक है ना। तो चलो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो मतलब आपने नाक की मूर्ति का मॉडलिंग कैसे लगा ये कमेंट्स करके बता देना। और हाँ फ्रेंड्स, आप अपने चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बेल आइकन बटन दबाकर उसके ऊपर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि अपने आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे सुंदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।